दोस्तों हाय हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं वाटर कलर से वॉल पेंटिंग कैसे करता हूँ और एपेक्स का यूज करता हूँ दोस्तों मैं। ये आप देख रहे होंगे, ये एशियन ब्रांड का आता है दोस्तों, एशियन पेंट्स लिखा हुआ होगा और इस साइड में देखिए एपेक्स लिखा होगा। जो वॉल पे पेंटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है और हम इसी का यूज़ करके दोस्तों पेंटिंग वगैरह भी बनाते हैं। और ये पेंटिंग देखिए दोस्तों हाल ही में मैंने बनाया है जो कि काफ़ी शानदार लगता है। और यही वीडियो को मैंने अपलोड किया था उस समय दोस्तों 2-4 कमेंट आए थे कि हमें भी एपेक्स के बारे में बताइए, कैसे ब्लेंड वगैरह मिक्सिंग वगैरह होता है, तो इसका ट्यूटोरियल बनाइए। तो इसलिए दोस्तों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग पूरा कंप्लीट देखो दोस्तों और डायरेक्ट वॉल पे मैं करके दिखाऊंगा दोस्तों। पहले दोस्तों पूरा कलर जो है वो मैं समझाऊंगा कि कैसे मिक्स होता है, उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट एक पेंटिंग बना के दिखाऊंगा जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए जहाँ पे मैं पेंटिंग बनाने वाला हूँ दोस्तों वहाँ पे चलते हैं, तो वहीं पे आप लोग को पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो ये रही दोस्तों वो वॉल, और यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोग को बताऊंगा कि कलर कैसे मिक्स होता है, यानी कि एपेक्स कलर को मैं कैसे ब्लेंडिंग करता हूँ, कैसे मिक्स करता हूँ और पूरे वॉल पर जो है पेंटिंग वगैरह मैं बनाता हूँ। फाइनली दोस्तों सर्कल जो है मैंने बना लिया है। अब दोस्तों इस पर मैं कलर आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगा, कहने का मतलब मिक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो कैसे कलर मिक्स होता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये सब कलर मेरे पास बचे हुए थे, तो ये कलर दोस्तों मैं एपेक्स और पीडीटिन को मिला के ऐसा बनाया हूँ। बस वाइट कलर का एपेक्स मैंने यूज किया है, बाकी बाद सारा पीडीटिन है। तो उसमें दोस्तों कलर मिलाने के बाद ऐसा कलर बना है, तो यही कलर को दोस्तों मैं यूज करके पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ वॉल पे। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ कैसे वाटर कलर से आप वॉल पे पेंटिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फेस के कलर का यूज़ करेंगे, तो ये है दोस्तों फेस का कलर और उसके साथ में ये मिक्स होगा, तो ये है जिसे कहते हैं बर्न सियाना यानी कि गोल्डन ब्राउन, और ये ग्रीन है और बाकी सारे आपको कलर दिख रहे होंगे। तो इसी को दोस्तों मैं आपको कलर मतलब ब्लेंड करना सिखाऊंगा। तो चलिए आप देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगा या नहीं। तो ये है दोस्तों एपेक्स और इसी के साथ दोस्तों हम मिक्स करेंगे, ये वाइट कलर है पूरा आपको दिख रहा होगा। तो यही एपेक्स से दोस्तों मैं पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ, जितना भी वॉल पेंटिंग आप देखते होंगे जो कि बड़ी बड़ी पेंटिंग होती है, और इनामेल पेंट भी यूज होता है दोस्तों, बट इनामेल पेंट का भी दोस्तों मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी ये देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ऐसे कोई भी जिस कलर का भी आपका पेंटिंग है मतलब जिस जहाँ पे जैसा कलर देना है, जैसे मैं फेस के कलर को दे रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरा मैं दोस्तों फेस के कलर को अप्लाई कर दूंगा। तो फाइनली दोस्तों फेस के कलर जो है अप्लाई हो चुका है, उसके बाद दोस्तों हम यूज करेंगे बर्न सियाना का। ये जो आपने पेंट डाला है दोस्तों उसे ज़्यादा सूखने मत दें, जो अगला आपको कलर देना है दोस्तों उसे आप स्टार्ट कर दें, तो आप डायरेक्ट मतलब डालिए, उसे सूखने मत दें। अगर वो सूख जाएगा तो दोस्तों फिर वो ब्लेंड नहीं होगा, तो आप जितना स्पीड करोगे दोस्तों उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो आप देख रहे होंगे मैं कैसा कर रहा हूँ, तो इसी तरह से दोस्तों ये ब्लेंड होते जाएगा आप देख रहे होंगे। तो अगर दोस्तों ये ब्लेंड अच्छे से ढंग से नहीं हो रहा है तो वहाँ पर दोस्तों आपको फिर से वही फेस के कलर को ले लेना है, और यहाँ पर जहाँ पर आपको ब्लेंड नहीं हो रहा है वहाँ से आपको ब्लेंड करते जाना है। तो आप देख रहे होंगे कितना शानदार ये ब्लेंड हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों आपको पूरी पेंटिंग पे आपको ब्लेंड करना होगा, और अगर आपको लगता है कि ब्लेंड अच्छा से ढंग से नहीं हुआ है तो फिर से आप उस पर लेयरिंग कर सकते हैं, जो कि डबल लेयरिंग आप करोगे तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी लाइट लग रहा है दोस्तों, वहाँ पर मैं फिर से बर्न सियाना का यूज़ करूँगा। तो बर्न सियाना देने के बाद आप देख रहे होंगे कितना शानदार ये लग रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों ब्लेंड किया जाता है, और इसी पर दोस्तों आपको लाइट ऐड करना है, तो आपको लाइट ऐड करने के लिए फिर वाइट को लेना पड़ेगा, और वाइट लेने के बाद आपको एक साइड से वाइट को देना होगा। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है कंप्लीट, आप देख रहे होंगे कितना स्मूथ लग रहा है और एक भी पैचेस नहीं है इसमें, कितना शानदार ब्लेंड हुआ है। तो चलिए अब सारे जितने भी मैंने बॉल्स बनाए हैं दोस्तों सबको कंप्लीट करते हैं। सभी में दोस्तों मैं सेम टेक्निक का यूज़ करूँगा, बस कलर्स अलग अलग होंगे। तो आप देख रहे होंगे जैसा मैं करते जा रहा हूँ दोस्तों, पहले आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद आपको पेंटिंग पे डायरेक्ट उतर जाना है। तो चलिए इसे जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं।
फाइनली दोस्तों ये हो चुका है तैयार, आप देख रहे होंगे, और ये सूख भी चुका है। वैसे दोस्तों मेरा हाथ पूरा गंदा है, हमारा काम ही ऐसा है दोस्तों कि हाथ कलरफुल हो ही जाता है। आप देख रहे होंगे कितना शानदार, और ये सूख चुका है दोस्तों, काफ़ी जल्दी सूख भी जाता है। आप देख रहे होंगे कितना शानदार लग रहा है। वैसे आपको सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा ये एपेक्स वाटर कलर का ये कैसा ब्लेंड होता है दोस्तों, आशा है कि आप समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया है दोस्तों तो कमेंट करना, अलग तरीके से फिर से मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे दोस्तों एक पेंटिंग मैं आप लोग को बना के दिखाता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सिंपल सा स्केच करूँगा महात्मा गांधी का, और गांधी जी की पेंटिंग को मैं आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये आसान होता है बनाने में। तो चलिए सबसे पहले आउटलाइन कर लेते हैं दोस्तों इसका पूरा, जो भी मतलब ये एनामेल पेंट से मैं आउटलाइन कर रहा हूँ दोस्तों, और एनामेल पेंट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जल्दी मिटेगा नहीं, और एक साइड का काम दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो वो दोस्तों बाद में मैं मैनेज कर लूँगा लास्ट में। तो चलिए अब सीधे डायरेक्ट इस पर कलर करते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है आप लोगों को कि पूरा एक कलर को पूरा फिल कर देना है दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आपको फिल करना है, और आउटलाइन अगर आपका मजबूत होगा तो दोस्तों नहीं मिटेगा, और इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। और अगर आप एपेक्स से ही आउटलाइन करते हैं तो उसको पूरा सूखने दें, उसके बाद ही दोस्तों आप उस पर अप्लाई करें। ये दोस्तों पेंट जो है वो पूरा अच्छी तरह से सूखा नहीं है, फिर भी दोस्तों मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आपको पूरा अप्लाई कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब दोस्तों लाइटिंग के लिए मैं वाइट को दे दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क लग रहा था, इसलिए मैं दोस्तों वाइट थोड़ा सा अप्लाई कर दे रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों मुझे जहाँ जहाँ बर्न सियाना का ज़रूरत होगा दोस्तों वहाँ पर मैं बर्न सियाना का यूज़ करूँगा। तो आप देख रहे होंगे पूरा ब्लेंड कर दिया है मैंने, तो पूरा आसान से दोस्तों ये मिक्स हो जाता है दोस्तों। और ज़्यादा देर आप सूखने मत दें पेंटिंग को, तो जल्दी मतलब जल्दी जल्दी आप करने की कोशिश करें। और जहाँ जहाँ दोस्तों बर्न सियाना का ज़रूरत है दोस्तों वहाँ पर मैं बर्न सियाना का अप्लाई करते जा रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ टच करते जाना है आपको, उसके बाद दोस्तों आपको ब्लेंड कर देना है। तो चलिए आप पूरा कंप्लीट देखिए, आपको पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने ब्लेंड कर दिया है, जहाँ जहाँ ब्लेंड करते जा रहा हूँ दोस्तों वहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा स्मूथ लग रहा होगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको पेंटिंग को कंप्लीट करना है, बस सेम टेक्निक है दोस्तों जो मैंने फर्स्ट में आप लोग को दिखाया, जो भी मैंने सर्कल में बना के दिखाया दोस्तों सेम टेक्निक है, उसी तरह से दोस्तों आपको करना है। तो जहाँ आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग वैसा ही कलर देना, जहाँ पर आपको जो जो कलर ज़रूरत पड़ रहा है तो वहाँ वहाँ आपको अप्लाई करते जाना है। इसी तरह से दोस्तों पेंटिंग को मैं कंप्लीट करूँगा, आप देखते जाइए। और दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, इस तरह अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ दोस्तों आपको, जो मैं जानता हूँ दोस्तों वही मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ, और मैं काफ़ी ईजी तरह से पेंटिंग को करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। औरों की तरह दोस्तों डार्क करके फिर लाइट करना वो सब मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप देख रहे होंगे किस तरह से मैं इतना जल्दी से मैं पेंटिंग को बना दे रहा हूं। और दोस्तों ये पेंटिंग को बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, इस तरह की पेंटिंग दोस्तों काफ़ी जल्दी बन जाती है। तो आपको भी ट्राई करना है दोस्तों इस तरह की पेंटिंग बनाने की, जहाँ पर आप लोग को जल्दी बना के देना है तो वहाँ पर आप बना सकते हैं। ये सब दोस्तों हम लोग सरकारी काम वगैरह चाहे स्कूल वगैरह में हम लोग ऐसा ही पेंटिंग बनाते हैं। तो देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों ये पेंटिंग आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट ही दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है। तो मैं फिर मिलूंगा दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग सी पेंटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।